नमस्कार, मैं माया। 7i न्यूज में आप सभी का स्वागत है और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास हेडलाइंस पर। कांग्रेस का घोषणा पत्र हुआ जारी, गरीब किसान और युवाओं पर फोकस। कर्ज नहीं चुकाया तो भी किसानों को नहीं जाना पड़ेगा जेल। आरएसएस ने दिग्विजय के ट्वीट को बताया राजनीतिक एजेंडा, कहा दिखावे की राजनीति कर रहे हैं दिग्विजय। टिकट बंटवारे के बाद आरजेडी में मचा घमासान, लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने दी ससुर के खिलाफ चुनाव लड़ने की धमकी। गाडरवारा में मूलभूत सुविधाओं से वंचित है ग्रामीण, छात्रों को पीने के पानी के लिए करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना। और बिजली विभाग की लापरवाही से शिवपुरी में 5 महीने से बंद पड़ा है ट्रांसफार्मर, ग्रामीणों को करना पड़ रहा कई परेशानियों का सामना। और आइए बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस पार्टी ने बुधवार दोपहर को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि इस चुनाव का मुद्दा सिर्फ किसानों की समस्या रोजगार गरीबी है, उनकी पार्टी इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र इसी के इर्द गिर्द रखा है और जिसका नाम जन आवाज घोषणा पत्र दिया गया है। घोषणा पत्र की टैगलाइन हम निभाएंगे दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमारे घोषणा पत्र की मुख्य बातें पंजे पर हैं, जो कि हमारी पार्टी का लोगो भी है। इनमें सबसे अहम न्याय योजना है, जिसके तहत देश की 20% गरीब जनता को सालाना 72,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। राहुल ने कहा कि 5 साल में सीधे तौर पर एक व्यक्ति को 3,60,000 रुपए की मदद दी जाएगी। इसके लिए राहुल ने गरीबी पर वार 72,000 का नारा दिया है। साथ ही राहुल ने यह भी कहा है कि हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार खोलने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। शुरुआती 3 साल के लिए आपको किसी की मदद नहीं चाहिए, आप सीधा अपना रोजगार खोलिए। उन्होंने कहा कि इसके जरिए हम 10 लाख युवाओं को सीधे ग्राम पंचायत में ही रोजगार देंगे। मैनिफेस्टो में 5 बड़े आइडिया हैं। हमारा हाथ का सिंबल है और 5 हमारे मेन थीम्स हैं। सबसे पहला थीम न्याय का थीम। प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालेंगे और वो झूठ था। पूरा देश जानता है कि वो झूठ था। हमने उनकी बात पकड़ी और मैंने मैनिफेस्टो कमेटी से पूछा और कहा कि सच्चाई निकाल के हमें दीजिए। हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में सचमुच हिंदुस्तान की सरकार कितना पैसा डाल सकती है, और एक नंबर दिया उन्होंने मुझे 72,000 रुपए हर साल। गरीबी पर वार 72,000। टिकट बंटवारे के बाद राष्ट्रीय जनता दल मुखिया लालू प्रसाद यादव के परिवार में मचे घमासान के बीच तेज प्रताप यादव ने कहा है कि दोनों भाइयों के बीच कोई अनबन नहीं है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के आसपास चापलू ज्यादा है। वह बस तेजस्वी से कहना चाहते हैं कि शिवहर और जहानाबाद की बातों को समझें। आपको बता दें कि इन दोनों सीटों पर तेज प्रताप यादव अपने करीबियों को टिकट देना चाहते थे, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। इसी के बाद तेज प्रताप बागी तेवर अपनाए हुए हैं। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव आरजेडी की ओर से सारण लोकसभा सीट पर चंद्रिका राय को चुनाव मैदान में उतारने को लेकर नाराज चल रहे हैं। चंद्रिका राय तेज प्रताप के ससुर हैं। तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि सारण लोकसभा सीट लालू जी की पुश्तैनी सीट रही है, वह चाहते हैं कि वहां से हमारी माता जी यानी राबड़ी देवी चुनावी मैदान में उतरे। यदि वह चुनाव नहीं लड़ती हैं तो मैं उस सीट से चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा भी, क्योंकि यहां की जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। जो नौजवान है, जो पब्लिक का डिमांड है, मैं उसके साथ हूँ। अंगेश को भी आप टिकट देने के लिए बोला? अंगेश जी के लिए भी मैंने बात किया है तेजस्वी जी से। अच्छा। तेजस्वी जी बोले हैं 1-2 दिन के बाद मैं आपसे मिलूंगा, तो फिर मैं बात करूंगा, उसके बाद आपको बताने का काम करेंगे। तेजस्वी जी गंभीरता से लेंगे और यदि अभी नहीं मिल पाएगा तो दूसरे चीज में उनको हक और अधिकार हिस्सा दिया जाएगा। और तेज प्रताप जी का जहां तक सवाल है, तेज प्रताप जी मजबूती से सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल को आगाह करते रहते हैं और मजबूत होने के लिए वह हमेशा जो है तटस्थ रहते हैं, और पूरे परिवार राजद एक है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। मैसेज क्या जा रहा है ये तो उन लोगों को खुद विचार करना चाहिए।
निश्चित तौर पर जब एकाकी नहीं होता, मैतव्य नहीं होता, तो कुछ न कुछ परेशानी तो होती है। शासन शिक्षा के क्षेत्र में अनेक योजनाएं चला रही है, लेकिन योजनाएं गांव कस्बों में कितनी सफल है अंदाजा लगाया जा सकता है। गाडरवाड़ा तहसील के चिचली ब्लॉक में आने वाला गांव जमुनिया का शासकीय प्राथमिक शाला स्कूल पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। स्कूल के बच्चों को पीने के लिए लगाया गया हैडपंप बंद पड़ा है, जिससे छात्र पानी के लिए काफी परेशान हो रहे हैं। वहीं पानी के अभाव में बच्चों के लिए बनाया गया बालक शौचालय भी बंद पड़ा हुआ है। गाँव के लोगों का कहना है कि संबंधित अधिकारियों का इस और कोई ध्यान ही नहीं है। शिवपुरी जिले के कोलारस तहसील के गांव मोहरा में ट्रांसफार्मर 5 महीने से बंद पड़ा है। वहीं जाटा मोहल्ला के लोगों ने बताया कि लाइट ना होने से छोटे छोटे बच्चे मच्छरों को शिकार हो जाते हैं। ऐसे में बिजली विभाग अधिकारियों का इस और कोई ध्यान नहीं है। साथ ही रहवासियों का कहना है कि वोट मांगने के लिए नेता आते हैं और बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं। और वहीं रमेश जाटव का कहना है कि हमारे मोहल्ले में ट्रांसफार्मर 5 महीने से नहीं है और हम लाइट से परेशान हैं। ऐसे में प्रशासन को गरीब लोगों ध्यान रखना चाहिए। जिला ब्यूरो मुकेश बैरागी की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत नरसर सरपंच पति को गाँव में नल की शिकायत की थी ग्राम जमनिया में पीएच विभाग में, लेकिन आज ही बंद विभाग वालों को भी सुनवाई नहीं की। बीचे बीचे में खड़ा काम मजे ठेकेदार से मना कर रही, हम चले गए जबरदस्त शिकार दिया। ठेकेदार ने नहीं मानी आपकी बात? नहीं मानी। जैसे क्या परेशानी आती है? गाँव में चौमास में करंट आती है, करंट लग जाती तो है। डीपी रोपाना चाहते हो क्या, हटवाना चाहते हैं यहाँ से? जैसे हटाना चाहिए दूसरी जगह हो जाए। जिले में लोकसभा निर्वाचन 2019 का मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से स्थानीय स्टेडियम ग्राउंड में स्वीप आनंद खेल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं एवं सांस्कृतिक तथा स्वीप होली का आयोजन किया गया एवं मतदाताओं को ईवीएम एवं ईवीपैड मशीन की कार्यप्रणाली से अवगत कराने के लिए कार्यक्रम स्थल पर पिंक आदर्श बूथ भी बनाया गया तथा खेल गतिविधियों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया गया, जिसमें पत्रकार और शासन प्रशासन के बीच खेला गया रस्सा कशी का खेल एवं स्वीप होली आकर्षण का केंद्र बनी रही। करेली के पास ग्राम बटेसरा में सुबह 4 बजे नहर फूटने से नहर के पास बने घरों में पानी भर गया। साथ ही घरों में पानी जाने से घरों में रखा खाने पीने का सामान सब पानी में डूब गया। वहीं जब मौके पर जाकर देखा तो नहर में कंक्रीट बह चुका था, मतलब साफ है कि नहर बनाने में बहुत भ्रष्टाचार किया गया है। 7i न्यूज के लिए राहुल रघुवंशी की रिपोर्ट। ये पानी सर, ये नहर फूट गई थी यहाँ पे और वो अगले साल से क्रैक थी और उसका कोई देखा रही थी कोई किया नहीं, तो वो आज सवेरे करीब 4 बजे करीब नहर फूटी है तो पूरे में पानी आनी भर गया है, दीवार वाल गिर गई हमारी और नुकसान बहुत हुआ है इसमें। क्या क्या अनाज वगैरह कुछ रखा था? क्या अनाज क्या था? 50 किलो चावल था उसमें और 30 किलो गेहूँ था, 1 पीपा तेल था और दाल थी 3-4 किलो और 3500 रुपए नकदी रखे थे, वो सब पानी बर्बाद हो गया पूरा। हमें पता है यहाँ से मिलो कि वो घर की वदी बाल है खिसली है ना, तो आओ हमें कहा जगह में पैस की मांगल भैया का कहा था, तुम उठो सोई रहो तुम्हारे घर में पानी भरा रहा, हमारी दीवार खिसक गई, अब हमें पता चलो है। सामान क्या क्या खराब हो गया था? हमारा सामान का कहा था खराब होगा भैया जी, अब हम पा बताओ जी खा पी वालो सामान हमारे का कहा खराब होगा। सरस्वती शिशु मंदिर केसली शाला में वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, जिसमें कुश कुमार धंधेरिया ने कक्षा 6वीं में तृतीय स्थान 90.7% प्राप्त किया। साथ ही शाला में 223 दिवस में से 212 दिवस उपस्थिति रही है। वहीं जब कुश कुमार धंधेरिया से पूछा गया कि पढ़ाई कर क्या बनना चाहते हो, तब कुश कुमार धंधेरिया ने कहा कि मैं कलेक्टर बनना चाहता हूँ। मेरा तृतीय स्थान लगा है और 90.7% प्राप्त किए। अच्छा, कौन सी कक्षा थी इस बार? षष्टम। षष्टम। स्कूल का नाम क्या है? सरस्वती शिशु मंदिर। अच्छा, तो आपने जो तृतीय स्थान अर्जित किया है तो इसमें आप साला परिवार को किस प्रकार से बधाई देना चाह रहे हैं? मैं अपने साला परिवार और मेरे माता पिता के ही बल पर ये स्थान प्राप्त किया है, इसलिए मैं उन दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा, आप पढ़ाई कर क्या बनना चाह रहे हैं? कलेक्टर। कलेक्टर क्यों बनना चाह रहे हैं? तहसील केसली में आदिवासी क्षेत्र में उनको सुविधाएं नहीं प्राप्त हो रही हैं, इसलिए उनको सुविधाएं दिलाने के लिए मैं कलेक्टर बनना चाहता हूँ।
और खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए 7i न्यूज के साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i न्यूज को सब्सक्राइब करिए।